उाइल करो राइट बैठो सुनो हेलो फ्रेंड्स टुडे वी विल डिस्कस अबाउट व्हाई पॉलिटिकल साइंस इज अ पॉपुलर इन यूपीएससी एग्जाम्स, व्हाई वी शुड चूज पी एस एज ऑप्शनल पेपर राइट हमें पॉलिटिकल साइंस क्यों चूज करना चाहिए पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट का क्या बेनिफिट है यूपीएससी के एग्जाम में और स्टेट पीसीएस के एग्जाम में और हमें किन किन सोर्स ऑफ मटीरियल्स को पढ़ना चाहिए राइट है सो पोलिटिकल साइंस इज अ वन ऑफ द पॉपुलर ऑप्शनल राइट एमंग द स्टूडेंट ऑफ यूपीएससी एंड स्टेट पी सी एस एग्जाम्स राइट इन यूपीएससी द डिमांड ऑफ पी एस सी पी एस आई आर इज ग्रेजुअली इंक्रीजिंग राइट दिस इज द टॉप फाइव सब्जेक्ट दैट इज मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट हैज ऑप्टेड इवन इन स्टेट पी सी एस लाइक जम्मू कश्मीर एंड डिफरेंट अदर पी सी एस psir is quite popular among the student so first of all what are the major benefit of this subject suppose one a student is opting psir as optional paper what type of benefit they will get from this subject the most important benefit of this subject is that it comprises the igp indian government and politics indian government and politics is connected with the GS paper 2 governance and polity and IR. So international relation you will get, Indian polity you will get, some topics of national movement you will get, governance topics you will get, right? This is a benefit. Dusra benefit, here thinker or thought You have to study about the some Western thinker as well as the Indian thinker, right? Like Plato, Aristotle, Hobbes, Locke, Rousseau, right?

And above all, the most important feature of this subject is that you will get the essay writing at least out of two essays, which you have write, you will get one essay se caste led, woman empowerment, hai, social issues. Hai, you will get that. So, uh, today we will discuss first detailed analysis of the subject and their syllabus and source of material. कौन से मेटेरियल हमें पढ़ने चाहिए और किस टॉपिक्स के लिए क्या पढ़ना चाहिए देखो बच्चे पी एस आई आर एक पॉपुलर सब्जेक्ट होता है यूपीएससी और स्टेट पीसीएस में दो पेपर है पेपर वन राइट पेपर वन में सेक्शन ए सेक्शन ए राइट सेक्शन ए में आपके क्वेश्चंस जो है पहला तो क्वेश्चन नंबर वन में एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन अब नहीं आ रहे पुराने टाइम एमसीक्यू आता था अब क्वेश्चन नहीं आना एमसीक्यू अब जो है क्वेश्चन जनरली शॉर्ट टाइप के क्वेश्चन e. right है, right? है, आते हैं क्वेश्चन नंबर में आपका ए बी सी डी ई पांच क्वेश्चन आएंगे राइट है शॉर्ट नोट टाइप के राइट दूसरा क्वेश्चन सेकंड क्वेश्चन सपोज कीजिए क्वेश्चन नंबर टू है वहां पर ए बी सी ऐसे करके क्वेश्चंस आते हैं राइट सो दिस इज वी आर डिस्कसिंग अबाउट द सेक्शन वन सेक्शन वन में क्या सब पढ़ना है वेस्टर्न थाउट्स पढ़ने हैं वेस्टर्न थाउट्स राइट वेस्टर्न थाउट में क्या है प्लेटो एरिस्टोटल राइट मेकिया वेली हॉप्स लॉक कार्लमार्क्स जेसमिल ग्राम्स की है राइट इसके लिए जो बेस्ट बुक मार्केट में अवेलेबल है ओपी गावा वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट सुशीला रामास्वामी सुब्रता मुखर्जी इज ऑल्सो वेरी गुड बुक लेकिन ये जो बुक्स हैं ये थोड़े बल्कि बुक हैं सो यू गो विद द ओ पी गावा वेस्टर्न पोलिटिकल थाउट राइट नाउ ये जो टॉपिक्स हैं वो टॉपिक्स नंबर टेन है नाइन नंबर टॉपिक्स में है इंडियन पोलिटिकल थाउट राइट इंडियन पोलिटिकल थाउट में आपको क्या पढ़ना है गांधी जी हैं कौटिल्य अर्थशास्त्र है बाबा साहब अंबेडकर है एम एन रॉय है सर सैयद अहमद खान है अरविंदो घोष है इसके लिए ओपी गावा आप देख सकते हो बट ओपी गावा में कंटेन बहुत अच्छा नहीं है सो वीपी वर्मा वीपी वर्मा इज द गुड बुक फॉर द मॉडर्न इंडियन पोलिटिकल थाट वीपी वर्मा हैज रिटन टू बुक वन एंशियंट इंडियन पोलिटिकल थाट मॉडर्न इंडियन पोलिटिकल थाट यू हैव टू कंसल्ट ऑन मॉडर्न इंडियन पोलिटिकल थाट राइट फॉर दिस फाइव टू सिक्स थिंकर्स कमिंग टू थ्योरी पार्ट्स राइट थ्योरी में आपका अप्रोचेज है राइट है लिबर्टी है जस्टिस है ओके राइट लिबर्टी जस्टिस डेमोक्रेसी फॉर दिस पार्ट अगेन यू कम टू द ओपी गावा पोलिटिकल थ्योरी बुक राइट ओपी गावा से कुछ टॉपिक्स आपको मिलेंगे एंड एंड्रू हैवुड पोलिटिकल आइडियोलॉजी का जो टॉपिक्स है सोशलिज्म लिबरलिज्म यू कंसल्ट एंड्रू हैवुड राइट सो एंड्रू हैवुड Opigawa, this is the good book, this is the good source of material. Before going to study all these things, I would like to suggest you that you first study NCRT 1112 thoroughly. This is the written in 4 volume you have to study thoroughly, then you come to the Opigawa and all. So, this is the section 1. Again, I will repeat that in section 1, question number first is compulsory. Now, this is a short type questions. क्वेश्चन नंबर वन में पांच क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे आपको सारे अटेम्प्ट करने हैं क्वेश्चन नंबर टू जो है उसमें थ्री क्वेश्चन होगा ए बी सी डी क्वेश्चन नंबर थ्री में भी सेम सेट है क्वेश्चन नंबर फोर में भी सेम सेट है सो आउट ऑफ फोर क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर वन इज कंपल्सरी एंड फ्रॉम सेक्शन वन यू नीड टू टेक वन क्वेश्चन राइट है क्योंकि जो हमारा पेपर वन में सेटअप है पांच क्वेश्चन आपको करने हैं टोटल कितने क्वेश्चन करने हैं फाइव यू विल ऑप्ट फर्स्ट क्वेश्चन बिकॉज दिस इज कंपल्सरी एंड एनी वन टू थ्री फोर में से आपको कोई लेना है इसी तरह जब हम बात करेंगे सेक्शन बी वेन बी टॉक अबाउट द पी एस आई आर पेपर वन सेक्शन बी अगेन क्वेश्चन नंबर फाइव क्वेश्चन नंबर फाइव स्मॉल क्वेश्चन ए बी सी डी ई क्वेश्चन नंबर फाइव भी कंपल्सरी है सभी स्टूडेंट को अटेम्प करना है क्वेश्चन नंबर फाइव में ए बी सी डी करके पांच क्वेश्चन आएंगे राइट है दिस इज कंपलसरी नाउ सिक्स नंबर सेवन नंबर एट नंबर सिक्स में भी ए बी सी डी होगा सेवन में, में भी ए बी सी होगा एट में भी ए बी सी होगा राइट एक क्वेश्चन में थ्री सेट होते हैं ओके सो क्वेश्चन नंबर फाइव आपने अटेम्प्ट कर लिया अब क्वेश्चन नंबर सिक्स को सपोज कीजिए आपने अटेम्प्ट किया राइट है अब बचा कितना एक क्वेश्चन क्योंकि आपने दो क्वेश्चन सेक्शन ए से लिया सेक्शन बी से भी दो क्वेश्चन लिया अब आपके चॉइस के ऊपर डिपेंड करता है कि आप आइदर ए और बी यू ऑप्ट वन क्वेश्चन सो टोटल फ्रॉम पेपर वन यू हैव टू राइट फाइव क्वेश्चन पांच क्वेश्चन आपको निकालने हैं अब पांच क्वेश्चन का मतलब कितना हो बचे फाइव फाइव टेन प्लस थ्री इंटू थ्री नाइन नाइनटीन क्वेश्चन फ्रॉम पेपर वन यू हैव टू अटेम्प्टाइनटीन क्वेश्चन राइट right है ऑप्शनल में ये अच्छी बात है कि आपके पास चॉइस है राइट right है लेकिन जीएस में कोई चॉइस नहीं होता आउट ऑफ ट्वेंटी क्वेश्चन यू हैव टू ऑफ ट्वेंटी क्वेश्चन नाउ कमिंग टू द पेपर वन सेकेंड हाफ इसमें क्या पढ़ना है बच्चे इसमें पढ़ना है इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स जिसको शॉर्ट में बोलते हैं आईजीपी राइट है इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स आईजीपी पढ़ा जाएगा जिसमें फर्स्ट आपको स्टार्ट करना है बिपिन चंद्रा मॉडर्न इंडिया से आइदर एनसीआर टी और बिपिन चंद्रा मॉडर्न इंडिया बिपिन चंद्र मॉडर्न इंडिया इसमें प्रस्पेक्टिव ऑफ नेशनल मूवमेंट है सोशलिस्ट प्रस्पेक्टिव मार्क्सिस्ट प्रस्पेक्टिव गांधीयन प्रस्पेक्टिव इसके लिए आप इस बुक को कंसल्ट कर सकते हो राइट एंड देन आफ्टर दैट कम टू द लक्ष्मीकांत पार्ट इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स कॉन्स्टिट्यूशनल पार्ट ऑल टाइम फेवरेट लक्ष्मीकांत सबके पास होता है लेकिन बहुत कम स्टूडेंट पढ़ते हैं तो लक्ष्मीकांत से भी कुछ क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे लेकिन लक्ष्मीकांत इज नॉट सफिशियंट दो तीन क्वेश्चन जैसे पावर ऑफ गवर्नर मिल सकता है प्रेसिडेंट के पावर लोकल सेल्फ गवर्नमेंट ऐसे मिल सकते हैं राइट डायरेक्टिव प्रिंसिपल के क्वेश्चन कभी आ गया सुप्रीम कोर्ट से क्वेश्चन आ गया दैट कैन बी टैकल बाय द लक्ष्मीकांत नाउ वन बेस्ट बुक दैट इज अ बी एल फाडिया इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स बी एल फाडिया इससे आपको कुछ टॉपिक्स पढ़ना चाहिए जैसे आपका कास्ट प्रॉब्लम है रीजनलिज्म है सोशल डेवलपमेंट है सोशल मूवमेंट है बी एल फाडिया राइट बी एल फाडिया या कुछ टॉपिक्स विद्युत चक्रवर्ती का भी आता है इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स पे विद्युत चक्रवर्ती का जिसमें आप सोशल डेवलपमेंट से रिलेटेड बुक्स हैं या इवन आपका सोशल मूवमेंट इन्वायरमेंटल मूवमेंट चिपको मूवमेंट इस टाइप के मूवमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन है एक और अच्छी बुक है एग्रीकल्चर और इकोनॉमिक डेवलपमेंट से रिलेटेड टॉपिक्स इकोनॉमिक प्लानिंग पॉल ब्रासका पॉलिटिक्स ऑफ इंडिया सिंस इंडिपेंडेंट लेकिन ये बुक्स पढ़ने की जरूरत नहीं है नोट इज क्वाइट सफिशियंट पॉल ब्रासका पॉलिटिक्स ऑफ इंडिया सिंस इंडिपेंडेंट सम टॉपिक्स विद्युत चक्रवर्ती सम टॉपिक्स बीएल एल ऑल टाइम मोस्ट ऑफ द टॉपिक्स कवर्ड बाय द बीएल एल इवन अगर आप लक्ष्मीकांत नहीं भी लोगे तो बीएल एल से आपका काम चल जाएगा राइट right है सो दीज आर द प्रोमिनेंट सोर्स ऑफ मटेरियल जिससे आपका पेपर वन कवरअप होगा राइट right है कुछ मार्केट में अच्छे नोट्स भी हैं अगर आप चाहो तो आप उसको देख सकते हो लेकिन आई वुड लाइक टू सजेस्ट यू कि आपको अपना नोट्स बनाना चाहिए और आपको पहले सब्जेक्ट की अंडरस्टैंडिंग करनी चाहिए राइट right है क्योंकि PSIR में

इज वन ऑफ द फेवरेट सब्जेक्ट अमंग द स्टूडेंट दोंग फॉर द सिविल सर्विस एग्जामिनेशन दिस इज वन ऑफ द बेस्ट सब्जेक्ट यू कैन सिक्योर अट मार्क्स गुड मार्क्स अराउंड थ्री हंड्रेड मार्क्स यू कैन सिक्योर राइट है और इस सब्जेक्ट का जो बहुत बड़ा पार्ट है जो मेजर चंक है वो कहाँ जुड़ता है जीएस में जैसे मैंने आपको बताया कि आई जी पी का जो पार्ट है जीएस पेपर टू इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स जहां पर आपको आई आर मिल रहे हैं जहां पर आपको आ,

comparative politics comparative politics okay and international relation comparative politics and international relation this is also a very good topic right and international relation is a major part of general studies paper two right ज ए कंपेरेटिव पॉलिटिक्स दिस इज ए ट्रेडिशनल यूनिवर्सिटी का जो सब्जेक्ट है पीजी का या ग्रेजुएशन का उसको कवरअप किया गया है कंपेरेटिव पॉलिटिक्स जनरली जो एम ए के या ऑनर्स पेपर में दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ाए जाते हैं उसको उन्होंने फॉलो किया है कंपरेटिव पॉलिटिक्स में राइट सो यहाँ भी आपका सेक्शन वन सेक्शन बी है मैं क्वेश्चन के मॉडल पर नहीं जाता हूं क्योंकि पेपर वन में वी हैव ऑलरेडी डिस्कस कि किस तरह से क्वेश्चन यहां आना है सिमिलर पैटर्न विल बी फॉलो टू द पेपर नंबर टू सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू से अबाउट द कंपेरेटिव पॉलिटिक्स सेक्शन वन एज फार एज द कंपेरेटिव पॉलिटिक्स इज कंसर्न यू हैव टू कंसल्ट जेसी जॉरी आई एम नॉट टेलिंग यू दैट यू नीड टू स्टडी इंटायर बुक राइट सम टॉपिक्स अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस आपके सिलेबस में जो मैचिंग पॉइंट है जो टॉपिक्स लिखे हुए हैं उस टॉपिक्स को आप जेसी जौहरी से निकाल सकते हो जेसी जौहरी इज अ गुड सोर्स ऑफ मटेरियल्स, राइट है या इवन आपका किसी भी यूनिवर्सिटी का जो ऑनर्स या एमए का है उसमें कंपेरेटिव पॉलिटिक्स से टॉपिक्स आप निकाल सकते हैं राइट है, right है? जैसे स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म है अप्रोचेज है नेचर ऑफ स्टेट इन डेवलपिंग सोसाइटी है नेचर ऑफ स्टेट इन कैपिटलिस्ट सोसाइटी है प्रेशर ग्रुप्स है पॉलिटिकल पार्टीज है ऐसे कुछ टॉपिक्स या एवोल्यूशन ऑफ कंपेटिव पॉलिटिक्स बिकॉज इट इज अ वेरी न्यू पार्ट आफ्टर द वर्ल्ड वॉर टू द सब्जेक्ट हैज इवॉल्व इट सेल्फ सो यू कैन पिक फ्रॉम दैट पार्ट कंपरेटिव पॉलिटिक्स राइट एंड देन यू कम टू द ट्रेडिशनल इंटरनेशनल रिलेशन टॉपिक्स राइट जैसे हम देखते हैं यूएनओ का टॉपिक्स है ब्रिक्स है सार्क है आसियान है या नॉर्थ साउथ डायलॉग है यूएनओ का फॉर्मेशन है इंडिया इसराइल रिलेशन है इंडिया चाइना रिलेशन है इंडिया यूएस रिलेशन है इंडिया रशिया रिलेशन है ओके okay? या आपका सीटीबीटी है एनपीटी है ओके okay? सो so, ऐसे जो टॉपिक्स है वर्ल्ड बैंक से रिलेटेड टॉपिक्स हैं डब्ल्यू से रिलेटेड टॉपिक्स है उसके लिए आपको क्या करना है उसके लिए आपको ट्रेडिशनल बुक में जाना है देखो आ, कुछ स्कॉलर्स ऐसा भी मानते हैं कि टी वुल्फ और कोलम्बस का बुक अच्छा है कुछ मानते हैं पीटर कार्लोक्रेसी इज बेटर बुक बट आई वुड लाइक टू सजेस्ट टू वन सिंपल बुक दैट इज कन्वेंशनली यूज इन दिल्ली यूनिवर्सिटी दैट इज है आपका वी के मल्होत्रा यू विल गेट द सम टॉपिक्स फ्रॉम द वी के मल्होत्रा राइट है कुछ जो आइटम है कुछ जो सिलेबस का पार्ट है सम टॉपिक यू विल कवर फ्रॉम द वीके मल्होत्रा कंपेरेटिव एज वेल एज द ट्रेडिशनल पार्ट राइट जैसे रियलिस्ट थ्योरी क्या है आइडलिस्ट थ्योरी क्या है सिस्टम थ्योरी क्या है ओके मार्क्सिस्ट अप्रोच क्या होता है ऐसी चीजों को आप वीके मल्होत्रा से कंसल्ट कर सकते हो जब हम फॉरन पॉलिसी के पार्ट पे आते हैं तो राजीव सिकरी का एक बुक है रीथिंकिंग ऑफ इंडियाज री थिंकिंग ऑफ इंडियाज फॉरिन पॉलिसी री थिंकिंग ऑफ इंडियाज फॉरन पॉलिसी आप वो बुक ले सकते हो कुछ सजेस्टर ये भी मानते हैं कि एलिफेंट डांस नाम का एक बुक है वो भी आप देख सकते हैं राजीव सिकरी री थिंकिंग ऑफ इंडिया पॉलिसी पुसपेस पंथ की एक बुक आती है कंसेप्चुअल क्लैरिटी के लिए पुस्पेस पंथ के लिए इंटरनेशनल रिलेशन लेकिन वो काफी ट्रेडिशनल टाइप का बुक है पुस्पेस पंथेस पंथ राइट पुस्पेस पंथ की एक बुक आती है जो कि आई के लिए आपको पढ़ना है ट्रेडिशनल है राइट एंड फॉरेन पॉलिसी के लिए आपका यू आर घई भी देख सकते हो यू आर घई राइट यू आर घई की बुक देख सकते हैं आप राइट है जीएस के लिए एक बुक पढ़ा जाता है इसका नाम है यासी धारीवाल जीएस के लिए पढ़ाता है यासी धारीवाल वह बुक भी आप देख सकते हैं दिस इज अ गुड राइट आपको कुछ बुक्स लेना चाहिए ये दो चार बुक्स आपको पढ़नी चाहिए एंड रेगुलरली आपको वर्ल्ड फोकस मैगजीन पढ़ना ही चाहिए वर्ल्ड फोकस मैगजीन वर्ल्ड फोकस मैगजीन यू नीड टू कंसल्ट रेगुलरली वर्ल्ड फोकस मैगजीन द डेवलपमेंट ऑफ इंटरनेशनल रेशन से रिलेटेड ये मैगजीन है स्पेशली दिसंबर जनवरी वाला जो जो आपका एडिशन होता है उसमें फॉरेन पॉलिसी पे लिखा हुआ है राइट right? सो इंटरनेशनल लेसन इज क्वाइट वेरी डायनामिक सब्जेक्ट एंड इट्स वेरी क्वाइट पॉपुलर बहुत सारे लोगों को ये सब्जेक्ट बहुत इंटरेस्टिंग लगता है एंड ऑनेस्टली स्पीकिंग दिस इज अस्ट स्कोरिंग पार्ट अगर कोई स्टूडेंट अच्छे से इसको पढ़ेगा तो यहाँ अच्छा मार्क्स लाया जा सकता है राइट है इनफैक्ट आई विल टेल यू की जो आई जी पी का पार्ट है इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स यू विल नॉट गेट द गुड मार्क्स यू विल गेट द गुड मार्क्स इन इंटरनेशनल रिलेशन एज वेल एज द वेस्टर्न पोलिटिकल थाउट एंड थ्योरी पेपर वन फर्स्ट हाफ यू कैन सिक्योर अ गुड मार्क्स राइट सो ओवरऑल दिस इज दिलेबस अपार्ट फ्रॉम दैटन इंटरेस्टेड टू सी दू मेटीरियल दे कैन ऑल्सो सी बट यू हैव टू प्रिपेयर अबाउट द टॉपिक्स वाइज राइट आपका जो टॉपिक है आपका जो सिलेबस है आपको उसी हिसाब से पढ़ना चाहिए और आपको एक एक क्वेश्चन एवरी डे यू हैव टू राइट फ्रॉम द प्रीवियस टेन ईयर पास्ट टेन ईयर जो आई एस के क्वेश्चन हैं उस क्वेश्चंस को आपको इवेल्युएट करना चाहिए उसी क्वेश्चन पर आपको पहले प्रैक्टिस करनी चाहिए राइट है पॉलिटिकल साइंस में अंडरस्टैंडिंग इज मोर इंपॉर्टेंट देन मेमोराइजिंग ओनली द फैक्ट्स और आंसर हमेशा ब्रीफ एंड टू द पॉइंट होना चाहिए अकॉर्डिंग टू द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन राइट बहुत ज्यादा आप अगर क्वेश्चन के हिसाब से नहीं लिखोगे अगर इधर उधर की बातें करेंगे यू विल नॉट गेट अ गुड मार्क्स सो

इवन मेडिकल के फील्ड से जो लोग हैं वो भी सब्जेक्ट को लेते हैं मैनेजमेंट के फील्ड से वो भी सब्जेक्ट को लेते हैं एंड इन द रिसेंट टाइम मोस्ट ऑफ द इंजीनियर ऑप्टिंग दिस सब्जेक्ट एंड गेटिंग अ गुड मार्क्स इन यू पी एस सी एंड स्टेट पी सी एस सी एग्जाम सो आई वुड लाइक टू सजेस्ट यू पी एस आई आर इज अ वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शनल यू ट्राई टू पिक अप दिस सब्जेक्ट राइट बिफोर पिकिंग दिस सब्जेक्ट यू सी द सिलेबस यू सी द नेचर ऑफ द क्वेश्चन एंड एटलीस्ट रीड वन और टू बुक्स एंड यू अंडरस्टैंड द थिंग्स देन यू ऑफ दिस सब्जेक्ट राइट थैंक यू थैंक यू वेरी मच अब सवाल जो है आपका कुछ है